धर्मनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, तो वहीं काशी के तर्ज पर रामलला के नगरी को मार्गों को संवारने का काम तेज हुआ, जो मंदिर में कॉरिडोर जल्द बनाने की तैयारियां शुरू होगी। काशी में तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा और यात्री सुविधाओं से लैस मार्ग आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं भगवान रामलला के नगरी में लाने वाली प्रमुख सड़क शहादतगंज में नया घाट को राम पथ का नाम दिया गया। सुग्रीव किला से भगवान रामलला के परिसर तक जाने वाली सड़क को जन्मभूमि मार्ग से जाना जाएगा, जो हनुमानगढ़ी से कनक भवन और रामलला को जोड़ने वाले मार्ग का नाम भक्ति मार्ग होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को धर्म नगरी में होने की अनुभूति कराएंगे। आपको बता दें कि राम नगरी में ईंधन से चलने वाले वाहन नहीं प्रवेश कर पाएंगे तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। राम नगरी के बाहर बनाए जाने वाले गेट पर ईंधन से चलने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। रामनगरी के प्रमुख मार्गों पर रामायण कालीन चित्रों के भी प्रदर्शन किए जाएंगे। अयोध्या को जोड़ने वाले सभी मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। अंबेडकर नगर से बाराबंकी तक रेल मार्ग को दोहरीकरण, ट्रेन की सुविधाएं दी जाएंगी। देश से यहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनको सुविधाजनक तरीके से वो राम मंदिर तक पहुँच सके, जन्मभूमि तक पहुँच सके और अयोध्या में अन्य प्रमुख मंदिरों का भी दर्शन कर सके और कितनी भी भीड़ हो हम उनको मैनेज कर सके, इस प्रयास के साथ में इसको विकसित किया जा रहा है। इन सड़कों पर सभी जो आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए होती हैं, यथा बैठने का स्थान है, पीने का पानी है, टॉयलेट्स हैं, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। पूरी सड़क पर डिस्टेंस फ्रेंडली होगी और इसमें पूरा जो छायादार बना रहे, जो श्रद्धालुओं को किसी भी सीजन में परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों का भी समावेश पार्किंग से राम जन्मभूमि तक के लिए किया जा रहा है।